गाने को चुनने में आपका कितना हाथ था, शाहरुख का कितना था, और क्यों उस गाने को ही चुना आपने उस गाने के साथ? ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिसको मैं सिर्फ इधर ये बात करके ख़त्म नहीं करने देता। मैं देता हूँ थोड़ा और वक्त आपको बहुत जल्दी, और इसके ऊपर एक पूरी एक डिस्कशन करते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा ये सुन के कि ये कैसे हुआ था। तो ये अपने आप में पूरा एक एपिसोड है, इसको अलग रखते हैं। देखिए, इस वक्त ना मेरे मन में ना मुक्काबाज चल रहा है और बहुत बहुत जोर शोर से चल रहा है। सर, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आइडिया किसका था, क्या क्या सबका शामिल था, बस इतना। या आपका डिसीजन था कि नहीं हम जीरो रखेंगे? नहीं, डिक्टेटर तो मैं भी नहीं हूँ लाइफ में, मिलजुल के फैसला करते हैं। और इसलिए थोड़ा वक्त लिया था ताकि बहुत सारी चीज़ों को समझ लें, कर लें। ऐसा नहीं होता, आप जब एक फिल्म बनाने उतरते हैं तो बहुत सारे टाइटल्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, पर आप कहीं ना कहीं आपकी एक कन्विक्शन आती है, और जिस वक्त वो कन्विक्शन आती है उस वक्त आप वो तय कर लेते हैं। पर अभी भी मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए इस वक्त बड़ा टाइटल मुक्काबाज है, तो उस पर हम लोग थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं। जीरो के लिए मैं पूरा टाइम दूँगा आपको। बड़ा आनंद।